हत्या को मजबूर है देश का किसान। कभी दैवीय आपदा, कभी सरकार जनित आपदा, कभी और भी पैसा न होने के कारण खेती में लागत न लगाना। अब इस समय दैवीय आपदा और सरकारी आपदा दोनों को हम देख रहे हैं। यह देख रहे हैं धान की खेती खूब मेहनत से, धान के खेत की जुताई की गई, महंगे बीज डाले गए, बीज को बचाया गया गर्मी में, बचाने के बाद खेत में पलेवा लगा करके इसमें धान की रोपनी कराई गई। धान बड़ा भी हुआ लेकिन अब सूखा पड़ गया है। आप देख रहे हैं हम इस समय नहर के किनारे हैं, गाजीपुर जनपद के सदर विकास खंड अंतर्गत चौकिया गांव में हम हैं और धान की सूखती हुई फसल को हम देख रहे हैं। एक किशोर किसान भी हमारे पास है, फावड़ा लेकर के ये लोग अब ये इंजन लगाए हैं और कुछ पानी सड़क के किनारे बचा था उस पानी से ही खेत की सिंचाई कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू? राकेश चौहान। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 7 में। कहाँ पढ़ते हो? गंगादास बाबा इंटर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। और राकेश को चिंता है, यह देखिए कोई बनावट नहीं है, आप यह नहीं देख कर सकते कि कोई बनावट है। नंगे पांव फावड़ा लेकर के और वह इंजन चल रहा है। एक बार पीछे आप देखेंगे जो गड़गड़ाहट आ रही है और जो पाइप लगा हुआ है सड़क के किनारे उसे आप देख सकते हैं। इंजन चला करके जो थोड़ा बहुत गड्ढे में पानी था उससे सिंचाई का। बरखा जब कृषि सुखानी, समय बीत अब का पछताने। बिजली भी अच्छी नहीं रह रही है। मैं केवल इस सरकार को दोषी नहीं देना चाहता, पूर्व की जितनी सरकारें हैं। और हम नहर के किनारे हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। बगल में सड़क है, सड़क के किनारे वाले खेत में हम हैं और आपको नहर दिखाते हैं। नहर देखेंगे तो आपको स्वयं लगेगा भैया हो क्या रहा है। अगर नहरों में आपने पानी नहीं दिया, ट्यूबवेल के आपके कहीं ट्रांसफार्मर जले हैं, कहीं स्टार्टर जले हैं, कहीं मोटर जला है, त्राहि त्राहि मचा हुआ है। एक इधर खेत देख लीजिए, जो धान का खेत मुआर हो गया है, अब इसे पशु भी नहीं खाएंगे। इस तरह से झुलस गया है, पूरी तौर पर झुलस गया है। अब इसमें अगर बारिश भी हो जाएगी, धान की बालियाँ भी लगेंगी, तो भी पानी जो था वह ख़त्म हो गया। जो थोड़ा बहुत सड़क के किनारे था वह पानी समाप्त हो गया। अब बेचारे करेंगे क्या? देखिए आगे यह नहर है, नहर यह देवकली पंप कैनाल खंड द्वितीय से यह निकला हुआ, निकली हुई डिलिया माइनर है। इस पानी को मैं दिखा रहा था, आप देख लीजिए। यह सड़क के किनारे जो खेतों से मिट्टी निकाली गई है उसमें कुछ पानी बरसात का लगा था। अब इन्हें इन लोगों को यह लगा था कि इस पानी से हम सिंचाई कर लेंगे, लेकिन वह पानी भी ख़त्म हो गया। आइए अब हम नहर की स्थिति दिखाते हैं, नहर की भौतिक स्थिति क्या है और नहर में कितना पानी है। आप देख करके, मेरा कोई प्रतिक्रियावाद नहीं है, मैं विनम्र भाव से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप अपनी नहर देख लीजिए। नहर की सफाई तो हुई नहीं और पानी आया नहीं। दो लड़के उधर भी कुछ कर रहे हैं, उनको भी देखते हैं, पूछते हैं कि भैया वो लोग या तो उसमें से देख रहे होंगे कि मछली कैसे मिलेगी, या तो मछली देख रहे होंगे अथवा उन्हें अपने खेती की चिंता होगी। आप नहर को देखते चलिए क्या स्थिति है। यह है नहर, कहीं कोई पानी नहीं है। आप देख सकते हैं इस पानी से कोई सिंचाई हो नहीं सकती। नहरें ऐसे समय में लबालब पूर्ण वेग के साथ चलना चाहिए, लेकिन नहरें चल नहीं रही। अब बाबू क्या कर रहे हो आप लोग? मछली? अरे कुछ मिला है कि नहीं? क्या मिला है? कुछ ना है, मछली तो रोहू तो मिलेगा नहीं इसमें। क्या मिला है? गिरई, सिधरी? अरे कुछ मिला है क्या? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या है वह? कौन सी मछली है? सिधरी और गिरई। तो उसको क्या करोगे, भून करके खाओगे? कैसे खाओगे? गिरई अब मिल गया है, उसे चलेगा, उसे भून करके या फिर उसे पका करके खाएंगे। मैं नहीं जानता मछली कैसे पकाया जाता है, कैसे खाया जाता है, मैं संपूर्ण शाकाहारी हूँ। लेकिन यह देखिए बच्चों के लिए मिल गया है, मैंने नहर दिखाया और देखिए ऐसे ही है, अभी इसका लाइसेंस है नहीं, पता नहीं लोगों को हुआ क्या है, ऐसे ही चलाएँगे, कहीं कोई हनक भनक नहीं है। अभी नई उम्र के लड़के हैं,
इंजन अभी समेट करके ले जा रहे हैं, ये जान गए कि हम नहीं कर पाए। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, एक बार अगर बारिश और हो जाएगी तो बेचारा किसान जो मुंशी प्रेमचंद जी ने बार बार अपने विभिन्न, चाहे वह गोदान हो अथवा फिर पूस की रात के हल्कू हो, सबको देख करके अलग रहा है कि किसान मारा जाएगा। सारी सरकारें किसानों के प्रति संपूर्ण रूप से संवेदित हैं, समर्पित हैं और उनका जीवन जीती हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ कर रही हैं। देख लीजिए महाराज जी, ये आपकी नहर है। यह मैं यह नहीं कहता कि आप ही की सरकार में ऐसा हुआ है, पूर्ववर्ती सरकारों में भी एक बार तो इस नहर को पटवाए थे, हम फावड़ा लेकर के शुरू किए थे, भजवा दिए थे फावड़ा, तब पानी आया था। अब नए नए मित्रों को लगता होगा कि यह इसी सरकार में कर रहे हैं। भैया बहन जी थी तब भी आर पार किया है, और धरती पुत्र थे तब भी ऐसी की तैसी किया, बबुआ जी थे और रोज ही करता था, और यह है भैया ये तो महामानव है, संत हैं, महापुरुष हैं, और इन्हें क्या क्या कहा जाए। महाराज जी को कुछ कहने का भी कोई लाभ नहीं है, प्रतिक्रियावादी हैं और अपराध दर्ज करवा देंगे। अब तो गोली भी मारी जा रही है, साधारण सा व्यक्ति जाएगा तो गोली मारी जाएगी। तो यह सब है स्थिति, देख लीजिए किसान किसके घर खाने खाना जाएगा, लाइट है नहीं, सिंचाई करेगा कैसे। आपों का खेत है नज़दीक में, बगल में? अच्छा, आपों का सूखत है? सूखा आधा, ऐसे पानी जन बात और खेत में जात था ना, एकदम बिल्कुल है ही ना, कोई डीजल बता रहे हैं कि 150 रुपया घंटा डीजल का पानी है, डीजल भी महंगा है। 75 लीटर में तो मिल रहा। महाराज जी, पूर्व की सरकारों ने जितना किया था उससे अधिक आप और मोदी साहब ने बढ़ा दिया, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये किसान बता रहे हैं कि 150 रुपया घंटा हम कैसे चलाएंगे, और पानी जैसे जाएगा शाम तक खत्म हो जाएगा। सुबह सुबह जब ओस और शीत कुछ पड़ रही है तो किसान को लग रहा है कि खेत हमारे ठीक हैं, और फिर जैसे ही धूप हो रही है वैसे ही सत्यानाश, किसके घर खाना खाने जाएंगे। बिजली तो आप दे नहीं रहे हैं, और नहरों की यह स्थिति है, और ट्रांसफार्मर मोटर और स्टार्टर सब नलकूप के जले हुए हैं। भगवान ही मालिक हैं, उधर भी देखिए सूखते हुए खेत, और 2-4 दिन में सब सूख जाएंगे। मैं आपके गुड सेंस की कामना करता हूँ। आज हम हैं 29 सितंबर 2018 को, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के गुड सेंस की कामना करते हैं। एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं जिला योजना का मेंबर रहा हूँ, 100% सिंचाई दिखाई जाती है कि सारे खेतों की सिंचाई। आप एक एक महीने से नलकूप के ट्रांसफार्मर स्टार्टर और मोटर जले हुए हैं, उसमें भी 100% सिंचाई दिखाई जाएगी। यही है जमाबंदी, उसको कहते हैं जमाबंदी, जमाबंदी में सब दिखा दिया जाएगा, सारी सिंचाई हो गई। बाबू आप लोगों का भी जल रहा है खेत ना, देखिए चेहरे पर उदासी है, मायूसी छा गई है। धन्यवाद।